lying in bed and I've just had to cancel another client. I'm cancelling clients left, right and centre. My home and my business is... बिग बॉस 7 में नजर आई सोफिया हयात के साथ हाल ही में दुबई में एक खौफनाक घटना घटी और उन्हें जेल भेज दिया गया। सोफिया हयात बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए दुबई गई थी लेकिन वहां उन्हें जेल हो गई। सोफिया का दावा है कि उन्हें 31 दिसंबर 2023 को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्हें जेल में 6 घंटे तक रहना पड़ा और फिर पिंजरे जैसे बॉक्स में दूसरी जगह ले जाया गया। इस दौरान वह बुरी तरह चिल्ला रही थी। सोफिया हयात ने कुछ वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। उनमें वह रोते हुए बता रही हैं कि दुबई में उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्हें कितनी यातना झेलनी पड़ी। I'm in bed and I've just had to cancel another client. I'm cancelling clients left, right and centre. My home and my business is... बता दें कि सोफिया हयात एक्टिंग छोड़कर नन और फिर स्पिरिचुअल गुरु बन गई थी। सोफिया वैसे तो काफी समय से सुर्खियों में नहीं थी लेकिन अब दुबई का इंसिडेंट उन्हें फिर से चर्चा में ले आया है। सोफिया ने बताया कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड मुबारक आयशा मुबारक मोहम्मद अल मिराकी से मिलने और शादी करने दुबई गई थी लेकिन वहां पहुंचते ही सोफिया को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया और फिर वहां क्या क्या हुआ सोफिया ने विस्तार में बताया है। So I had a lot of investigation work done last year. I'm so tired. Physically, mentally. This is exhausting. Like my body is just not... I need to go home. Oof, my heart, I don't know what's going on. I just need to be home. I need to see my doctor. Help me. I can't be here for too much longer. Don't know what to do. They said that by midnight, 2 days they've said, and they said that last week, that Monday. Oh shit, I don't feel good. I don't feel good. I don't want my health issues to come back.